नमस्कार, मैं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या कांग्रेस की कमान अब किसी दूसरे नेता को मिलनी चाहिए? लोकसभा चुनाव 2019 में करारी हार के बाद इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी के इस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। राजनीतिक और रणनीतिक नजरिए से देखें तो क्या राहुल गांधी को सचमुच कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए? इस पर प्रस्तुत है हमारा एक विश्लेषण। इसमें कोई दो राय नहीं कि जीत का श्रेय और हार का ठीकरा टीम के कैप्टन पर ही फूटता है, लेकिन आपको इस तथ्य को भी समझना होगा कि पिछले 6 सालों से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जिस तरीके से बड़े पैमाने पर व्यापक उभार हुआ, तो ऐसे माहौल में इन सभी से लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ कोई योद्धा दिखाई दिया तो वो सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही थे। आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में ये दौर दक्षिण पंथी ताकतों के उभार का है, और ऐसे में राहुल गांधी ने इन सबसे मोर्चा लिया, ये कोई मामूली बात नहीं थी। राहुल गांधी ने RSS और BJP पर देश से लेकर वैश्विक मंचों पर भी इन सबके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो भारतीय जनता पार्टी और RSS की ओर से नहीं हुआ, बल्कि ये भाजपा विरोधी गैर NDA पार्टियों की ओर से ही उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी कम नहीं हुई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जैसी गैर भाजपाई राजनीतिक पार्टियां भी नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी को भी रोकने में जुटी हुई थी। वह ये तो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन सके, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता न बन सके। यही वजह थी कि इन सभी दलों ने, चाहे हम बात करें ममता बनर्जी की, चाहे हम बात करें मायावती की या अखिलेश यादव की या अरविंद केजरीवाल की, अंत समय में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी अगर इस्तीफा देकर मैदान छोड़ देते हैं तो वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। कांग्रेस के साथ वही होगा जो सीताराम केसरी और PV नरसिंह राव के ज़माने में हुआ करता था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस की कमजोरी है तो वही कांग्रेस की ताकत भी है, वही कांग्रेस को एकजुट भी रख सकती है। अगर इस परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस से अलग हुआ तो कांग्रेस तो पहले से टूटेगी ही, गुटों में बटे नेताओं और क्षत्रपों का झगड़ा भी खुलकर सामने आ जाएगा। इसलिए राहुल गांधी को चाहिए कि भावावेश में कोई कदम ना उठाए, सरकार का विरोध अभी छोड़ दे और अपना पूरा साल कांग्रेस के संगठन को ठीक करने में लगाए, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का संगठन बेहद लाचार और दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है। हमें उम्मीद है हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।